बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में शहाबुद्दीन ने कहा है कि उसे एकांतवास में रखा गया है और क्या हमेशा एकांतवास में ही रखा जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा है कि शहाबुद्दीन की याचिका पर गौर करें। हालांकि कोर्ट ने ये भी साफ किया कि शहाबुद्दीन किसी को खतरा है या उस पर खतरा है, ये तय करना अदालत का काम नहीं है। शहाबुद्दीन ने एक ऐसी ही याचिका पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट में डाली थी। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने कहा था कि वे तिहाड़ जेल में अपने साथ किए जा रहे व्यवहार से खुश नहीं हैं। शहाबुद्दीन की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और सीबीआई को नोटिस भेजा था। शहाबुद्दीन ने अपनी याचिका में कहा था कि उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा, उसे अकेले काल कोठरी में बंद कर दिया गया है जहाँ वो किसी से बात नहीं कर सकता। इसके अलावा शहाबुद्दीन ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन पर लगभग 45 आपराधिक मामले चल रहे हैं। 2017 में पटना हाई कोर्ट ने उसे एसिड अटैक केस में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सीबीआई पत्रकार राजदेव रंजन के हत्या के मामले में भी शहाबुद्दीन के खिलाफ जांच चल रही है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शहाबुद्दीन को बिहार की सीवान जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया था। न्यूज़ डेस्क।